हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज हम आए हैं बुलडोजर सैंडविच खाने। दोस्तों, थोड़ा नाम यूनिक है, थोड़ा अलग लग रहा है सुन के, मगर जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज हम खाएंगे बुलडोजर वाला सैंडविच। तो कैसे बनाते हैं बुलडोजर सैंडविच, बुलडोजर सैंडविच वाकई में एग्जैक्टली है क्या, क्या वो बुलडोजर की साइज का होता है या सैंडविच के ऊपर बुलडोजर होता है, मतलब कैसे बनाते हैं बुलडोजर सैंडविच, तो ये पूरा देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी ना पता चलेगा दोस्तों कि बुलडोजर सैंडविच आखिर है क्या और क्यों पब्लिक इतनी ज़्यादा फैन है उस बुलडोजर सैंडविच के लिए दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि खड़े रहने तक का यहाँ पे जगह नहीं होता, और हमको तो शूट करने तक का नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने दूसरे दिन आके शूट करके आपके लिए वीडियो लाया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे यूनिक वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। और दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और अब यह आ रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर, ये क्या है दादा? पनीर, पनीर है ऊपर से। और अब डाला जा रहा है इसके ऊपर पूरा मेयोनीज, पर अभी देखते हैं और इसमें क्या डालते हैं भैया। और ये आ गया थोड़ा कॉर्न डाल दिया है, बॉइल कॉर्न है। और ये आ गया लास्ट में कंप्लीट भर भर के चीज डाल दिया है। अच्छा, तो ये ऐसे तीन लेयर हो गया है, और ये जा रहा है हमारा तीन लेयर वाला बुलडोजर सैंडविच गरम गरम ओवन के अंदर, और लगभग 10 मिनट तक इसको रखा जाएगा पकने के लिए, उसके बाद निकालेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं और अभी इसको निकाला जाएगा, और अब होगा बुलडोजर सैंडविच का कटिंग। कटिंग क्या दोस्तों, पूरा मर्डर है दोस्तों, मर्डर, अभी देखना आप। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना पूरा सैंडविच का मर्डर होगा। अब दोस्तों, इतना बड़ा लेयर का सैंडविच है तो लगभग नॉर्मल चक्कू से या छुरी से कटेगा नहीं, तो दोस्तों इसको इसी चीज़ से ही काटना पड़ता है जिससे कि प्रॉपर पीस में हो जाए, और इसलिए भैया उसको यूज़ करते हैं जब भी बुलडोजर सैंडविच बनाते हैं तो। और ये इसके ऊपर आ गई है पूरा मेयोनीज भर के डाल दिया भैया ने, और अब आएगा ओ ये क्या आएगा इसके ऊपर, और ये आ रहा है दोस्तों बालाजी का क्रीम एंड ऑनियन वाला चिप्स, जो कि हमने पहली बार देखा है। और दोस्तों, आपने ही पहली बार देखा होगा या कहीं देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आ रहा है इसके ऊपर भर भर के अभी भैया चीज़ डालने वाले हैं। और दोस्तों, लगभग ये जो सैंडविच है लगभग 1 kg के करीबन होता है दोस्तों, इतना वजन होता है, इतना भारी सैंडविच हो जाता है दोस्तों। और ये लाल मसाला उनका भैया का कुछ तो है, वो उन्होंने पे छिड़क दिया है, और देख रहे हो कितना लोडेड सैंडविच लग रहा है, कितना लोडेड। दादा, कितने से कितने बजे तक चालू रहता है? 12 से रात को 12 से लेके 12 बजे तक। ओके, और यहाँ का एड्रेस क्या पड़ेगा दादा? एड्रेस गोरेगांव, जवाहर नगर रोड नंबर 12, नियर पुलिस चौकी, गोरेगांव पुलिस चौकी। ओके दादा, ये कितने साल से कर रहे हो आप ये बिजनेस? 48 ईयर्स हो गए। 48 ईयर्स हो गए। ओके, थैंक यू दादा। मोबाइल तैयार था।